नमस्कार, युवा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम, अभी मौजूद है छपरा जेपी यूनिवर्सिटी में। आपको बता दें कि आज लगातार सुबह से 10 बजे से जो छात्र हैं धरने पर बैठे हुए हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं जो छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। और इसी को लेकर जब हम कुलपति साहब से बात करने जा रहे हैं तो बात मुझसे नहीं किया कराया जा रहा है। हम अंदर लेकर चलेंगे, देखिए गार्ड लोग क्या बता रहे हैं कि क्यों नहीं मिला जा रहा है। सीधे हम अंदर लेकर चलेंगे। देख ले, लगातार छात्र जो है सुबह से बैठे हुए हैं अनशन पर, लेकिन कोई इनसे पूछने नहीं तक आया कि आप लोग क्यों बैठे हुए हैं, आखिर आप लोगों की समस्या क्या है। लेकर चलेंगे हम अंदर, आप लोगों से दिखाएंगे कि इस प्रकार जो गार्ड लोग हम लोग रोक रहे हैं कि अंदर आपको नहीं मिलना है, सर नहीं मिलेंगे, आखिर क्यों नहीं मिल सकते हैं। हम एक पत्रकार, हर पत्रकार होकर नहीं सर से मिल सके तो सर से कौन मिल सकता है। देखिए हम अंदर जाने का प्रयास करेंगे कुलपति सर के पास, लेकिन यहाँ पे रोका जा रहा है कि हम यहाँ पे आए थे आप लोग के पास तो रोका जा रहा है। क्यों आखिर रोका जा रहा है बताइए। हम लोग के आदेश मिला है कि जो है क्या नाम, आज नहीं मिलेंगे, दूसरा दिन मिलेंगे। दूसरा दिन मिलेंगे ना, ठीक है। तो हम अंदर किस तरफ चलेंगे, कुलपति सर के जो आवास है उनके पास तरफ चलेंगे कि हाँ मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। हम तमाम तस्वीरें यहाँ से दिखा रहे हैं जेपी यूनिवर्सिटी से, किस प्रकार जो छात्र धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद जो गार्ड है वो अंदर नहीं जाने दे रहे हैं हमको। और उसके बाद देख रहे हैं जो भी गार्ड देखिए हमको रोक रहे हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। क्यों आखिर अंदर नहीं जा सकते हैं, जब मीडिया है और मीडिया को अगर रोका जा सकता है तो किसी को भी रोका जा सकता है। लगातार सुबह से छात्र धरने पर बैठे हुए हैं लेकिन कोई पूछने नहीं जा रहा है। उसके बाद जो गार्ड है उन्हें हमको धक्का देना है कि नहीं अंदर जाना है, आखिर क्यों नहीं जाएंगे हम अंदर। हम दिखा रहे हैं तमाम, कैमरा बंद मत कीजिएगा, हम जेपी यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। आप जब कुलपति से मिला तो एकदम डायरेक्ट लोग बोल रहे हैं कुलपति नहीं मिलेंगे, आखिर क्यों नहीं मिले। जब मौजूद है तो मिल सकते हैं, दो मिनट का मेरे काम है, लेकिन दो मिनट तक मुझे नहीं मिला जा सकता है, आखिर क्यों। तो हम तस्वीर देख सकते हैं जेपी यूनिवर्सिटी से, लेकिन कोई जो अधिकारी है साफ तौर पर उनका कहना है कि हम नहीं मिल सकते, आखिर क्यों नहीं मिल सकते हैं हम। मिलेगा तो कौन मिलेगा, अगर सर से दो मिनट बात करना है तो दो मिनट बात नहीं किया जा रहा है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आप सर से नहीं मिल सकते हैं। गार्ड जो है सीधा रोक रहा है कि मुझे ऊपर से दबाव आ रहा है कि आपको अंदर नहीं जाने देना चाहे, क्यों अंदर नहीं जाने जाता है। और कोई भी अगर कार में व्यस्त है तो दो मिनट तो बात कर सकते हैं ना, लेकिन दो मिनट के लिए भी सर के पास नहीं जाया जा रहा, आखिर क्या मुद्दा हो सकता है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि लगातार सुबह से 10 बजे से जो छात्र हैं, आप बाहर जूम करके दिखाएं, कैमरा मैन से अपने बोलेंगे कि बाहर से दिखाएं कि सुबह 10 बजे से जो छात्र हैं अनशन में बैठे हुए हैं, लेकिन जो कुलपति साहब से उनसे साफ तौर पर कहा जा रहा है कि दो नहीं मिल सकते हैं, कोई व्यस्त काम में बिजी हैं, आखिर क्या व्यस्त काम है, दो मिनट के लिए भी हम नहीं मिल सकते हैं। गार्ड जो है वो भी साफ तौर पर बोल रहे हैं कि हम ऊपर से दबाव आ रहा है कि हम नहीं जाने दे सकते हैं, तो क्यों नहीं जाने दे सकते हैं। तो सर से बात डायरेक्ट हम करके ही जाएंगे, नहीं तो हम यहीं पे बैठे रहेंगे, क्योंकि मेरा यही काम है कि सच्चाई को दिखाना। जब से सुबह से छात्र बैठे तो उनको पूछना चाहिए आखिर अब मांग क्या है, जो भी मांग है, क्योंकि आपको दिखाएंगे हम तस्वीर में कितना बज रहा है, 2 बज गया है, 10 बजे सुबह से लोग धरने में बैठे हुए लेकिन अभी तक कोई पूछने तक नहीं आया है। तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जेपी यूनिवर्सिटी के कैंपस में, मीन कर चुके हैं हम, देखना होगा गया कि कोई आ रहा है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम अपने कैमरा में से कहेंगे कैमरा की जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट शुरू बंद मत कीजिएगा, आप कैमरा ऑन करते रहिएगा। फिर आ रहे हैं तो क्यों हमको रोका गया था, सीधे हम कुलपति सर से बात कराते हैं। पहुँच कीजिए, देख सकते हैं सर जो अभी हमको रोका जा रहा था, जो गार्ड रहे थे रोक रहे थे कि सर आज नहीं मिल सकता है, लेकिन मेरे जब कैमरा की नज़र से सर पे पड़ी तो सर अभी पहुंच गए हैं। देख रहे हैं सर हमको रोका जा रहा था, जब आपसे मिलने को बोले तो सर बोल रहे थे अब नहीं मिल सकते, आखिर क्यों नहीं आज मिल रहे थे, लेकिन जब हम कैमरा लेकर अंदर गए तो आपको आ गए और रोका आपका। गार्ड रोक रहे थे कि आपको अंदर नहीं जा सकते, क्यों आखिर अंदर नहीं जा सकते, जब पत्रकार अंदर नहीं जा सकते तो देखिए हमेशा आपका स्वागत है, कभी भी आ सकते हैं, लेकिन तो अंदर नहीं जा सकते। अब देख सकते हैं सर आ गए, जो सुबह से बैठे थे उनके जो सर थे बैठे थे उनके लिए छात्र जो अभी जो जेपी यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी है उनको आ रहे हैं,